Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कंसोनेंट्स। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स, तो वोवल्स कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। हाउ मेनी वर्ड्स विद टू डिफरेंट वोवल्स एंड टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट? ओके, अब वोवल्स कितने चाहिए हमें? टू, टू डिफरेंट वोवल्स एंड टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। तो आपको यह कहा जा रहा है कि दो वोवल्स, दो डिफरेंट वोवल्स और दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स के साथ हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वोवल्स, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इट इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वल टू 5। देन टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स It is equal to 21. Now, कितने वोवल्स चाहिए हमें? 2। Number of ways, 2 वोवल्स, 2 वोवल्स can be selected. Number of ways, 2 वोवल्स can be selected. तो 5 में से 2 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं तो क्या हो जाएगा? 5C2। पांच में से दो वोवल सेलेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा? 5C2। देन नंबर ऑफ वेज, टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, टू नंबर ऑफ वेज, टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, इट विल बी इक्वल टू 21C2। 21 में से कोई भी दो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 21C2। अब आप ये देखो, दो वोवल्स और दो कॉन्सोनेंट्स, दो वोवल्स और दो कॉन्सोनेंट्स है, ये भी तो मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, यानी कि ये क्या है? अरेंजमेंट, क्योंकि आगे पीछे होने से जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ टू वोवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स, टू कॉन्सोनेंट्स, तो टू वोवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट दैट इज 4P4, दैट इज 4P4। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 5C2 इंटू 21C2। 4P4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, 4P4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 5C2 का मतलब क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन n माइनस r 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24, 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 24। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 5 को हम एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 5, 4, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 इंटू में क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 21 को हम एक्सपेंड करेंगे 19 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा? 19 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या हो जाएगा? 24, इंटू में क्या हो जाएगा? 24। नाउ 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 0, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 210, और इंटू में हो जाएगा 24,
अब 24 को आप 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 4 1 2 2, 2 4 8 2 2 4, तो 4 4 2 कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, तो 504 और साथ में 20. 50,400 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू डिफरेंट वोवल्स एंड टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स. इज इट क्लियर? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके maths course की बात है, complete mathematics course की जो playlist का link है, वो आपको description section में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.